तो हेलो गाइस, मैं हो गया हूँ रेडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज बटोत जाने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब किसी अपने काम से जा रहा था बटोत, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ब्लॉग भी शूट कर लूँ। तो इसी वजह से मैं आज अपना काम भी कर लूँगा और अपना ब्लॉग शूट भी कर लूँगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी रेडी हो गया हूँ, रेडी होने जा रहा था, तो मैं अभी फुल रेडी हो गया हूँ। आप देख सकते हो, फुल देख सकते हो आप। तो ठीक है गाइस, फिर मैं मिलता हूँ आपको। अभी मेरे को, आपको पता ही है, मेरे को खाना भी खाना है अभी। तो मैंने जल्दी जल्दी में पहले कपड़े लगा लिए थे, क्योंकि थोड़ी जल्दी थी तो मैंने पहले कपड़े भी लगा लिए थे। तो फिर मैंने सोचा बाद में मैं खाना खा लूँगा, तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ। खाना खाने के बाद फिर चलते हैं गाइस। चलो ठीक है, सी यू गाइस। मैंने लंच कर लिया है, तो अभी मैं मतलब रेडी होके लंच करके, तो अभी मैं मतलब रेडी हो गया हूँ जाने के लिए, बटोत जाने के लिए। तो मैं आपको गाइस इधर से नीचे, हमारे जो भी हमारे गांव से नीचे मतलब रोड रहता है, कितना ख़तरनाक रोड रहता है, हम कहाँ से गुजरते हैं, वो मैं आपको पूरा बताऊँगा आज कि कैसे हम जाते हैं उधर से, कैसे कैसे चलते हैं। मतलब जितना भी पूरा रोड नीचे हो गया, मतलब रोड तक पहुँचते तक मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताऊँगा इसके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ गाइस। तो थोड़ा सा गाइस मैं आपको ना फ्रंट कैमरे का व्यू बता देता हूँ, हमारे जो घर के सामने रहता है ना, तो व्यू कैसा है। तो आज ऐसे भी ठंड बहुत है, मतलब ऐसे बादल भरे हुए हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा व्यू बता देता हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। देख सकते हो गाइस आप, कितना अच्छा मौसम है आज। देखो गाइस कितना अच्छा रहता है, आप देख ही सकते हो गाइस कितना अच्छा व्यू है चीज़ों का। तो अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है, देखो आप सामने दिख रहा होगा आपको ना, थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है, बट देखो मौसम कितना अच्छा है। तो है गाइस, मैं आपको बताऊँगा आप इधर से नीचे कैसा रोड रहता है, वो मैं आपको पूरा फ्रंट कैमरा, बैक मतलब बैक कैमरा आगे करके मैं आपको पूरा बताऊँगा कैसे रोड रहता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ आप। तो देखिए गाइस कैसा रोड रहता है जहाँ से हम गुजर रहे हैं अभी, देख सकते हो गाइस आप कैसा रोड रहता है यहाँ पे। तो आप थोड़ा फ्रंट व्यू भी देख सकते हो गाइस, देखो हमारे इधर पार्क कैसा रहता है। तो थोड़ा सा आप इधर देख सकते हो कि कैसा रोड रहता है गाइस, देखो देख सकते हो गाइस आप, ये तो कम ही है। अभी मैं आपको और नीचे लेके चलता। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सन बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसे पेड़ काटते हैं बकरियों के लिए ना, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो हमारे इधर कैसे काटते हैं, आपको दिख रहा ही होगा, मे भी मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, इतनी क्लियरिटी तो है नहीं, बट फिर भी देखो हमारे इधर के कैसे वो करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस ऐसे हमारे पेड़ काटते हैं मगर बकरियों के लिए। तो जिन जिन्होंने रखी होती हैं तो वो तो काटते हैं, फिलहाल तो हमने तो रखी नहीं है, बट फिर भी पहले रखी थी तो काटते थे हम भी इनके लिए। तो मैं तो नहीं काट सकता, बट किसी से कटवाते थे हम भी। तो ये देखो काट रहे हैं, तो इधर का व्यू देखो आप गाइस, और कुछ भी नहीं है। तो रास्ता देखो इधर से गाइस, जहाँ से हम जा रहे हैं अभी, रास्ता देखो गाइस बहुत डेंजरस। अभी इधर से तो थोड़ा कम ही है, अभी मैं आपको और नीचे लेके चलता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वो होगा। तो ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं। मैं आप थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो क्योंकि कई जगहों पर वीडियो नहीं बन रही है, तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो मैं तभी शॉर्ट में बना रहा हूँ गाइस। तो आप चलते हैं आप नीचे, मैं थोड़ा सा आपको लास्ट में एंड में थोड़ा सा बताऊँगा। तो ये देखिए आप, जिस पे देखिए ये कैसा रोड रहता है यहाँ पे, ये लास्ट एंडिंग मतलब नीचे रोड आने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा इतना सा बता देता हूँ कि कैसा रोड रहता है यहाँ से। यहाँ से तो हम काफ़ी मतलब कुछ लकड़ियाँ वगैरह ले कर भी चलते हैं, घास वगैरह हो गया, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि हम पेड़ वगैरह काटते हैं, तो डाली मतलब जिसको बोलते हैं डाली, हम सिंपल भाषा में डाली बोलते हैं हमारी अपनी यहाँ पे, जो भी हमारी लैंग्वेज है। तो जो बकरियों को देते हैं वो लेके, तो कुछ घास भी होता है उसको लेके, तो हम इधर से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है गाइस वो।
तो मैं आपको ये रोड का ओवरव्यू बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखो कि मतलब इतना खतरनाक भी नहीं है, बट जो मतलब जो इधर जाता है तो उसको तो सिंपली लगेगा, बट जो अगर कहीं जो मतलब सिटी में रहता है या फिर जो ज़्यादा मतलब चलता नहीं है तो वो उसको अगर वो इधर थोड़ा विजिट करे या फिर हमारे इधर वो चलना शुरू करे तो उसको मे भी थोड़ा मतलब मुश्किल लगे। उसकी वजह से मैं आपको बोला था कि मतलब डेंजरस रोड है। तो देख सकते हो गाइस, तो मैं सड़क में पहुंच गया हूँ गाइस, तो देख सकते हो आप, है ना, तो देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको, नीचे करके देखो जैसे कितना मतलब चलना पड़ता नीचे, देखो मैं कैसे जा रहा हूँ। तो गाइस, तो मैं रोड में पहुंच चुका हूँ, आपको मे भी पीछे रोड भी दिख रहा होगा, देख सकते हो आप, रोड में पहुंच चुका हूँ। तो इधर तो नहीं है, बट थोड़ा मैं आगे जाऊंगा, अभी थोड़ा आगे जाऊंगा तो अपनी जहाँ पे मेरी शॉप है तो मैं उधर शॉप के मतलब खोलूंगा, थोड़ा मेरे को काम है अभी अंदर, तो मैं थोड़ा सामान वगैरह लेके तो फिर उधर गाड़ी का उधर वेट करूंगा, तो उधर से मैं फिर गाड़ी में जब बैठूंगा तो थोड़ा सा आपको और भी बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं गाइस हम बाद में, ठीक है, ओके। हेलो गाइस, फाइनली मैं असर मोड़ पे पहुंच चुका हूं। तो दरअसल मैंने सोचा था कि मैं गाड़ी में आऊंगा, बट मेरे को ना गाड़ी नहीं मिली तो मैं पैदल ही आ गया। तो फाइनली मैं इधर असर मोड़ में पहुंच चुका हूं। तो अब गाइस गाड़ी का वेट हो रहा है, मतलब बस का वेट हो रहा है। जब भी मतलब बस आई तो मैं बस में चढ़ जाऊँगा, तो उसके बाद फिर मिलते हैं बटोत में। तो रास्ते में मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी बताऊंगा कि कैसे हम मतलब एक हमारे रास्ते में टेंपल भी आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके भी ऑनलाइन दर्शन करवाऊंगा आपको। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, तो जैसे कि गाड़ी आएगी तो मैं गाड़ी में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी बताऊंगा। तो उसके बाद गाइस फिर मिलते हैं बटोत में, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू। गाइस बस आ गई है, तो अब हमें इधर से निकलना भी है। तो देख सकते हो गाइस हमारी बस आ गई है जो कि इधर खड़ी हुई है। तो गाइस देख सकते हो गाइस, तो बस आ गई है गाइस। तो हम गाइस फाइनली मैं बस में बैठ चुका हूँ, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा इधर का, ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ गाइस। मैं आपको थोड़ा सा आगे क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा, तो गाइस बने रहिए मेरे साथ क्योंकि थोड़ा सा सॉन्ग भी लगा हुआ है, कॉपीराइट बजने का खतरा रहता है, बट मैं ना थोड़ा सा इसको म्यूट कर दूंगा, ओके। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा आगे जाके। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा होटल है रास्ते में, तो इधर हम थोड़े रुके हुए हैं, तो जैसे कि मतलब लोग लंच करने के लिए उतरते हैं, मतलब लंच करते हैं इधर। तो जैसे कि आपको पता ही है गाइस, मैं तो लंच करके घर से आया था, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतर चुके हैं लंच करने के लिए, ओके। तो मैं भी अभी उतरने जा रहा हूँ गाइस, तो आपको पता ही है मैंने लंच तो कर लिया, बट फिर भी मैं थोड़ा उतरूँगा नीचे, थोड़ा आपको व्यू बताऊँगा उसका। तो ठीक है गाइस, बने रहिए मेरे साथ आप, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा नीचे का व्यू, ओके, ठीक है गाइस। हाय गाइस, तो मैं नीचे उतर चुका हूँ बस में से, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा गाइस, थोड़ा सा इधर का मतलब नीचे उतर के मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इधर की खासियत क्या है गाइस। बहुत अच्छी मतलब जहाँ पे ये होटल है यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, राजमा चावल मिलते हैं और प्राइस भी इधर का लो ही रहता है, और मतलब खाना इतना बेस्ट मिलता है ना गाइस। आज तो मैंने खाना नहीं है, बट मैं जब भी पहले आता था तो मैं खाता रहता था क्योंकि मैं घर से खा के नहीं आता था, ओके। तो आज आपको पता ही जैसे कि मैं तो लंच करके आया हूँ घर से, ओके। तो अभी मैं थोड़ा चलता हूँ अंदर, आपको थोड़ा सा होटल का ओवरव्यू बताता हूँ, थोड़ा सा मैं जाऊँगा अंदर आपको थोड़ा बताऊँगा, तो बने रहिए गाइस मेरे साथ, चलते हैं आगे। आपको पता ही है जैसे कि मैं जा रहा हूँ अंदर, तो गाइस ये यहाँ पे ये रहती है एक दुकान रहती है, शॉप रहती है, इधर फ्रूट वगैरह सब कुछ, चाय वगैरह जो भी होगा, अंडा वगैरह जो भी मतलब स्नैक्स वगैरह और हल्दीराम वगैरह मिलता है, तो ये भी है एक, तो इधर भी जो भी आपको मिलता है। तो जब भी गाइस अगर आप डोडा वाली साइड आएँ तो ज़रूर इधर विज़िट करें, ये हमारी बस रहती है, आप देख सकते हो गाइस। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो तो इधर विज़िट करें और इधर लंच करें गाइस, बहुत ही अच्छा प्राइस भी रहता है इधर और बहुत ही अच्छा खाना रहता है। तो ठीक है गाइस बने रहिए, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता हूँ अंदर का। तो गाइस देख सकते हो आप, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताऊंगा इधर का। तो गाइस देख सकते हो आप इधर का पूरा माहौल,
बहन तो मतलब इतनी खास नहीं है, बट फिर भी है, मतलब मज़ा बहुत आ रहा है। जो भी कहीं घूमने जा रहा है, जहाँ कहीं भी जा रहा है गाइस, तो उसको ना घूमने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ठंडी भी है थोड़ा थोड़ा। अगर दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाओ आप, तो बहुत मज़ा आता है इस टाइम पे। बाद गाइस देख सकते हो आप, बादल देख सकते हो गाइस, व्यू देख सकते हो इधर का। ये भी होटल है गाइस, ये मुस्लिम के लिए है, मतलब जो मुस्लिम बंदा है वो इधर विजिट कर सकता है खाना खाने के लिए। तो ये तो वैष्णो है, आपको पता ही है। तो गाइस ये हमारी बस रहती है, देख सकते हो गाइस आप, मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताऊंगा गाइस, देख सकते हो आप। तो ये शॉप रहती है गाइस, पूरा ओवरव्यू बता रहा हूँ गाइस। बादल देखो गाइस, मे बी गाइस वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन एंड तक ज़रूर देखना गाइस, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें गाइस। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको जो मैंने बोला था कि आगे रास्ते में टेंपल भी आता है, तो उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बटोत में मिलता हूँ सीधा। ओके, तो थोड़ी सी मेरे को हेयर कटिंग भी करवानी थी, तो मैं आपको शॉप के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा कि कैसी कटिंग करते हैं उधर की, और चलते हैं फिर। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फिर गाइस देख सकते हो आप, उस होटल के बाहर मैंने बोला था ना कि बहुत ही मतलब अच्छा है, फेमस है। तो देख सकते हो आप कितनी बसें लगी हुई है, देखो इधर एक तो हमारी है, क्योंकि हमारी तो तभी खड़ी हुई है, नहीं तो अभी हमने बटोत पहुंच जाना था मे बी। तो ये देखो ये भी जा रही है, बट ये दूसरे होटल पे खड़ी होगी आगे। तो हमारी गाड़ी का टायर थोड़ा पंचर हो गया है शायद मे बी, तो इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको रश बता रहा हूँ, लोगों का रश देखो, गाड़ियाँ देखो गाइस, गाड़ियाँ कितनी गाड़ियाँ, एक दो तीन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और रश देखो गाइस। अभी तो मतलब ठंड का मौसम चल रहा है, तभी इतना ये नहीं हुआ, इतना रश नहीं। अगर धूप होती ना तो मे बी, इधर ज़्यादा नहीं बोलता मैं, कोई 7-8 बसें खड़ी होती है, और लोगों का जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि रश ही इतना होता है। जितना भी J&K मतलब हमारा J&K कोई भी डोडा बदरवा विजिट करता है, तो इधर मतलब ज़रूर वो लंच करते हैं, या फिर जो ब्रेकफास्ट कुछ भी है वो करते हैं, क्योंकि इतना फेमस है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि देखो आप कितना रश है, आप इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सच में इधर कितना फेमस है, देख सकते हो। तो ये तो हमारा मतलब टायर पंचर हो गया है, तो तभी हम थोड़े वेट कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम बटोत पहुंच जाते। तो कोई ना, मत मे बी 10-15 मिनट के बाद ये टायर एक्सचेंज कर लेंगे, तो उसके बाद हम चलेंगे। तो फिर चलते हैं गाइस। ओके बाजार में पीछे घूमने के लिए, तो मैं उनको
आपको कॉल करता हूँ कि भाई वो इधर नहीं आकर तो आए मेरे पास आएंगे, आपको फ़ोन करता हूँ। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं जब तक इस पर जाएंगे, तो फिर देखते हैं कैसी कटिंग करते हैं और उनसे थोड़ी आपकी बातचीत करवाते हैं। तो फिलहाल गाइस मैं करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ उनको, तो करते हैं बात उनसे, तो मिलते हैं गाइस फिर। ओके, थोड़ी शॉप है, मैं बताता हूँ आपको कैसा लगता है इधर का। देखो गाइस पूरा ओवरव्यू इनका, कैसी शॉप है, देख सकते हो आप मेरे को भी। तो गाइस मेरे को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि रितेश भैया इधर नहीं है, वो कहीं काम पे गए हैं। तो मैं घर से तो सोच के आया था कि मैं उधर ही कटिंग करवाऊंगा अपनी, बट वो कहीं अपने काम से गए हैं। फिर मेरे को दूसरी शॉप पे, आज पहली बार मैं दूसरी शॉप पे जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी भी नहीं गया हूँ। जब भी मैं आता था तो मैं इधर ही कटिंग करवाता था, बट आज मेरे को दूसरी शॉप पे जाना पड़ा क्योंकि उधर भी अच्छी कटिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि जहाँ बंदा पहले से करवाता है तो उसको उसका ही उसके हिसाब से ही पता होता है, तो वो अपने तरीके से जाता है ना। तो गाइस मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है आज, तो चलो कोई ना, अब दूसरी शॉप पे जाके भी, वो भी अपने ही हैं, वो भी इनके ही रिलेटिव हैं रिकेश भाई के, यहाँ पे मैं पहले कटिंग करवाता था। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं उधर से कटिंग करवाते वक्त। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं पीछे। मैंने कटिंग करवा ली है, तो मेरे को थोड़ा तो दुख तो है, मेरे को रिकेश भैया के पास कटिंग करवानी थी बट वो नहीं थे, तो फिर भी मैं इधर आ गया, तो इन्होंने भी अच्छी कटिंग की है, देख सकते हो आप मेरी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको, जो भी चाहिए मेरा कट कैसा लगा। लुक तो वैसे शरीफ ही है बट फिर भी ठीक ही है, क्योंकि मैं शरीफ ही हूँ, तो मैंने शरीफ ही जैसा वो किया। तो गाइस अब तो मैंने सारा काम कर लिया जो मेरे को बहुत में करना था, तो मैंने बाल भी कटवा लिए अपने, तो अब मैं जा रहा हूँ, मतलब अब घर के लिए मैं जा रहा हूँ। तो आप मिलते घर जाके आपको, क्योंकि दाँत भी होने वाली है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि कैसा रहता है रात में मौसम कैसा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा व्यू दे दूंगा। बट अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। आपको लाइक शेयर करने से मतलब कुछ नहीं होगा गाइस, आप कर लेना, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो कोई भी अगर मिस्टेक हुई होगी तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मिस्टेक हुई है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरी ब्लॉग देख सकते हो गाइस, सही। अभी 10 मिनट पहले मैं घर पहुँचा हूँ, तो मेरी टांगें बहुत थक गई हैं गाइस, तो अभी मेरे को खाना भी खाना है, तो मतलब सोने की, अब जल्दी जल्दी सो जाना है खाना खा के। तो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कोई भी आपको मतलब कुछ भी इस चीज़ में, मतलब इस ब्लॉग में मेरा जो भी आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और पूरा ब्लॉग अगर आपको मतलब जो भी है इसमें अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, तो कर देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।